क्लास सिक्स लेक्चर टू सिविक्स, ये डेमोक्रेसी पढ़ना है। डेमोक्रेसी का फीचर्स है, पहला फीचर्स हम लोग पढ़े थे। यहाँ फीचर्स था रूल्स, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल दैट टेक ऑल मेजर डिसीजन। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में। इसमें हम चाइना और मैक्सिको के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे चाइना का चाइना के पार्लियामेंट का जो मेंबर है उनको चाइना के पार्लियामेंट को क्वानगुओ रेनमिन डाइबो धुई नाम से जाना जाता है, और इस पार्टी को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। और इस पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनका चुनाव होता है नागरिकों के द्वारा हर 5 साल पे, और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस को पावर होता है कि वो चाइना के प्रेसिडेंट को चुन सकें, और कुछ सदस्य जो हैं वो आर्मी के द्वारा चुने जाते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। इलेक्शन में भाग लेने से पहले जो कैंडिडेट होते हैं उनको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का सहमति चाहिए होता है, उसके सदस्य और या जो 8 पार्टी के मेंबर्स हैं उससे जो जुड़े होते हैं वो ही सिर्फ भाग ले सकते हैं यहाँ इलेक्शन में। इसलिए गवर्नमेंट जो है हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का चाइना में बनता है। अब हम मैक्सिको के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिको 1930 में आज़ाद हुआ था। यहाँ पे इलेक्शन हर 6 साल पे होता है और यहाँ प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। मैक्सिको कभी भी मिलिट्री और डिक्टेटर रूल में नहीं रहा है। 2000 तक जितना भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है उसमें PRI के द्वारा इलेक्शन जीता गया है। PRI मतलब इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। एज दे एम्प्लॉयड मेनी करप्ट प्रैक्टिसेज एंड अनएथिकल मीन्स टू विन द इलेक्शन एवरी टाइम। और ये PRI हमेशा इसलिए जीतता है, 2000 तक जीता है, क्योंकि वो हमेशा गलत तरीका अपनाता है इलेक्शन को जीतने के लिए। यहाँ पे दोनों केस का हम कंक्लूजन पढ़ेंगे। दोनों केस में, चाइना और मैक्सिको के केस में, ये नहीं दिख रहा है कि इलेक्शन जो है सही तरीका से वहाँ पे होता है, और कहीं भी इलेक्शन होना यही पूरा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। इसलिए जो डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। और डेमोक्रेसी का ये फीचर है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ जहाँ नहीं होता है तो वहाँ पे पावर को फेल होने का चांस रहता है। यहाँ पे तीसरा फीचर है 1 person 1 vote 1 value। इसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। ये सारे दुनिया में इस फीचर को माना जाता है डेमोक्रेसी का, लेकिन बहुत सारा ऐसा परिस्थिति भी है जहाँ पे इस इक्वल राइट्स टू वोट को रोका भी गया है। जैसे सऊदी अरेबिया में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। इस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। और इस्टोनिया अपने नागरिकता को नागरिकता कानून इस तरह बनाया है कि जो नागरिक हैं वहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटी के हैं वो उनको वोट देने में का अधिकार बहुत मुश्किल से मिलता है। दूसरा देश है फिजी, जहाँ पे इलेक्टोरल सिस्टम इस तरह का है कि किसी भी इंडिजेनस फिजियन का ज़्यादा वैल्यू है इंडियन फिजियन की तुलना में। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी आधारित है पॉलिटिकल इक्वालिटी के मूलभूत प्रिंसिपल पे। इससे हमारा डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर मिलता है कि डेमोक्रेसी में हर एडल्ट सिटीजन को एक वोट देने का अधिकार है, और उसे एक वोट का भी बहुत वैल्यू होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे।